to right of takeoff. Nice. Press the right of takeoff, laser 37. Thank you. 8 मार्च सन 2014 12:41 फ्लाइट 370 कुआलालंपुर से रवाना होती है, जिसे चीन की राजधानी बीजिंग में पहुंचना होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। प्लेन के टेक ऑफ के 38 मिनट बाद कैप्टन एसीटी से बात करते हैं। उनके आखिरी शब्द ये थे, इसके बाद उन्हें वियतनामी स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, लेकिन उससे 2 से 3 दिन बाद ही वो प्लेन रडार से गायब हो गया। जब वियतनामी स्पेस कंट्रोल से संपर्क नहीं हो पाया तो वियतनामी स्पेस कंट्रोल ने मलेशियन एयर फ्लाइट को संपर्क किया, लेकिन फिर वो हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। उस प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया, वह फिर से मलेशिया की तरफ घूम गया और कई बार रास्ता बदलते हुए हिंद महासागर में कहीं गायब हो गया। इस प्लेन में 2 पायलट, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 27 साल के फारिक अहमद पायलट थे, जिनके पास पूरे 7 साल का एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरी ओर 53 साल के पायलट इन कमांड जाहरी अहमद शाह थे। इस प्लेन में पूरे 49,100 लीटर पेट्रोल भरा गया था, जो 7 से 8 घंटे की उड़ान बड़े आराम से भर सकता था, लेकिन वही प्लेन इंडियन ओशन में कहीं खो चुका था। 17 मार्च 2014 को एएमएससी ने MS-370 के कोऑर्डिनेशन की खोज की जिम्मेदारी संभाली। 22 सैन्य विमान, 8 देशों के 19 जहाजों के साथ यह सर्च ऑपरेशन चालू हुआ। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में 30 से ज्यादा देशों ने $200 मिलियन खर्च किए। अभी भी कई जगह उनके मलबे मिलने की संभावना बताई जाती है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उनके पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि इतने अच्छे और इतने बड़े विमान को ऐसे चकमा दिलाना कोई आम बात नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, लेकिन आज भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। नंबर 2, फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 ब्रूमम टीवीएम अवेंजर्स टॉर्पेडो बॉम्बर्स का एक समूह था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूनाइटेड स्टेट ने बर्मुडा ट्रायंगल्स के ऊपर 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स को भेजा। 5 दिसंबर 1945 को बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से 5 जहाज गायब हो जाते हैं। इस हादसे में 13 पायलट्स खो गए। जब इसकी तहकीकात शुरू हुई तो समय समय पर सभी पुर्जे बाहर आने लगे। नौसेना के जांचकर्ताओं की रिपोर्ट मानो तो फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर ने अपने कंपास को काम करता नहीं पाया। परिणाम स्वरूप उड़ान समुद्र से काफी दूर चला गया। बाद में नौसेना द्वारा 5 जीवाणों और 14 लोगों की जान का नुकसान का जिम्मेदारी टेलर को न देते हुए इसे अज्ञात दोष माना और इसे बर्मुडा ट्रायंगल की एक रहस्यमय घटना का नाम दिया। अब इस घटना में असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता।